अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो अपने उन बच्चों के लिए एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है जो सेपली का पेपर जो है दे रहे हैं बीए पार्ट टू की इंग्लिश के हवाले से। और बहुत से बच्चे जो पार्ट टू में फ़ेल हुए थे इंग्लिश में, वो डरे हुए थे। और ज़्यादातर अक्सरियत जो हमारे रबते में बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे जॉब होल्डर हैं, और जॉब होल्डर जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। और काफ़ी बच्चों के हमें फ़ोन आए थे कि जी हमने दाखिला तो भेज दिया लेकिन सर हमें टाइम नहीं मिला, तैयारी नहीं हो सकती, तो हम पेपर विड्रा कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि बच्चों ऐसा ना करो, आपने इतनी ज़्यादा फीस भरी है तो आप इंशाल्लाह अगर कोशिश करो, थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो डिग्री ले लोगे। तो आप शायद, आपको पता हो कि हमने पहली वीडियो में भी कहा था, हमारा ख्याल था कि पेपर जो है ना 20 फरवरी तक जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, जो मुंह से अल्फाज निकले थे वो पूरे हुए। और वही डेट शीट आ रही है 20 के, तकरीबन 21 से 20 से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो अभी इतना टाइम है कि आपकी 100 से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है, ये जहन में रख लें। सिर्फ एक काम करें, हम अपने बच्चों के लिए ईडियम और करेक्शन की जो 500 पेपर है ना, वो जो वीडियो बना रहे हैं बड़ी टेक्निक बता रहे हैं। अगर आप हमारी वो वीडियो देखते जाएंगे, हमारे दो चैनल हैं प्रोफेसर तनवीर टिप्स और तालीम पॉइंट, दोनों पे हम अपनी चीज़ें डाल रहे हैं। और इसके साथ जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं वो मल्टी आंसर के साथ, उसमें उर्दू भी है। अगर आप सिर्फ जस्ट उर्दू का पढ़ लें तो आपके कंसेप्ट कहानी के हवाले से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको गारंटी से कहूँगा इंशाल्लाह कि अभी इतना वक्त है कि आप फेल नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जॉब होल्डर हैं वो किसी भी सूरत में विड्रा ना करें पेपरों से, चूँकि इतनी फ़ीस अगर आपने जमा करवाई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारे स्क्रीन पर दिए जो नंबर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन भी क्लास मिलेगी और नोट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात जहन में रखें मज़ीद कि जिनको हम नोट्स देते हैं हम पूरा बैकअप देते हैं ना, ये नहीं होता कि नोट्स के बाद हम कहते हैं जी हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई बेटा। नहीं, हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देते हैं। जब हम ईमानदारी से ड्यूटी देंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज भी पूरे करती है। कोई भी काम जिसमें ईमानदारी होगी तो आपको अल्लाह की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, ये जहन में रखें। चूँकि दुनिया की चीज़ें दुनिया में ही रहनी है, अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो हम मरने के बाद भी ज़िंदा रहेंगे। ज़िंदा वही लोग रहते हैं जो अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारी जो नई नस्ल है उनको हमने डिप्रेशन से निकालना है, और वो जो जॉब वाले हैं वो अपनी स्टडी में से विड्रा ना करें, चूँकि स्टडी ही वाहिद वो चीज़ है जो उनको आगे ला सकती है। तो खुदा किसी भी हाल में वो लोग जो आपको डराते हैं, जो आपके जहन में खदशात लाते हैं, उनसे बचें। वही आपके दुश्मन हैं, जो आपको हौसला देते हैं वही दोस्त हैं। तो आप हमसे रब्ता करें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से, इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे और अच्छे नंबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।